शिवपुरी जिले के पिछौर में पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौर के निर्देशन में आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए अवैध मादक पदार्थ माफियाओं पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक के निर्देशों के पालन में थाना प्रभारी पिछौर रत्नेश सिंह को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि दो व्यक्ति एक कार से अवैध शराब लिए मलहावानी गाँव तरफ आ रहे हैं। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी द्वारा एक टीम तलाशी के लिए भेजी गई, तो तलाशी के दौरान सेमरी तिराहा ग्राम मलहावनी से आरोपी बल्लू और विकेश यादव कार से अवैध शराब का परिवहन करते पाए गए। साथ ही इनके कब्जे से 50 पेटी देशी मदरा जब्त की गई। जब्त किए गए शराब की कीमत करीब 2 लाख रुपए बताई जा रही है। इसके तहत ही पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है।